नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई कैसे हो आप लोग? वेल, आज है 15th ऑफ अगस्त। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। इंडिपेंडेंस डे, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीन तीन फेस्टिवल कवर कर दिए यार हम लोगों ने। सो एनीवेज गाइस, आज मेरे पास दो पार्सल है जो हम, वैसे ये वीडियो सिर्फ हिमालयन राइडर्स वगैरह के लिए होने वाली है जो बाइक्स वगैरह राइड करते हैं, जो जिनके पास हिमालयन है बेसिकली। तो मैं, हमारे पास आज दो पार्सल है, एक दोनों ही अमेजोन से है, दोनों दिल्ली से ही है। एक हम लोगों ने दिल्ली से ऑर्डर करा था ये, और दूसरा आपका अमेजोन से जो आया था हमारा गाजियाबाद से। अब दोनों में क्या है मैं आपको जल्दी ही बताता हूँ, पहले इस वाली की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये होटेलर्स का औजार है जो यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने के लिए काम आता है। अभी होटल्स तो बुला नहीं रहे अभी, तो अभी यही चलेगा। तो मैंने मंगवाया था हिमालयन के लिए रेडिएटर ग्रिल। अब ये मैंने दिल्ली से क्यों मंगवाया, यहाँ से क्यों नहीं लिया रॉयल एनफील्ड के शोरूम से? वो लोग भी दे रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो वो लोग ग्रिल दे रहे थे वो एक साइडेड था, दोनों साइड से नहीं था, और इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा था दिल्ली से। और अभी जाके इसको लगवाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि दिख कैसा रहा है और लगेगा कैसे ये साथ साथ। कैमरामैन पार्थ रावत निकल पड़े हैं राइडर केशव के साथ। गाइस, हम लोग भैया के यहाँ पहुँच चुके थे। अब अगर आप लोग प्रिंस चौक से आ रहे हो तो प्रिंस चौक आपका सामने ही है। वहाँ से आपने आते ही सबसे पहले राइट लेना है फर्स्ट हैंड में ही। वहाँ से आपको मेरो डीजल सर्विसेज के नाम से भैया की शॉप मिल जाएगी। ये है शमशाद भैया, जिनके यहाँ से हम लोग हमेशा अपना बुलेट का और हिमालयन का काम करवाते हैं। आज तक हम लोगों को कभी रॉयल एनफील्ड के शोरूम जाने की नौबत पड़ी नहीं है। भैया के साथ हम लोग कब से आ रहे हैं? भैया आपके फादरों का कम भी 10 साल हो गए। और बोल, 10 साल हो गए और कुछ नहीं भैया, जेन्युइन ही एकदम है। क्योंकि हम लोगों ने इसका सर्विस वगैरह करवाया था लास्ट टाइम जब मैं गया था रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, तब उन्होंने मेरे को ये देख के बोला था कि आप लोगों का पेट्रोल ना, मतलब सॉरी, जो ऑयल होता है वो चल जाएगा। जब मैं भैया के पास आया तो उन्होंने मेरे को इतनी कमियाँ बताई इसमें, तब से हम लोग हिमालयन को भी यहीं पर लाने लगे। और अच्छा हुआ मैं यहीं पर लेके आता हूँ भैया के पास ही। कभी कुछ काम वगैरह हो मैं भैया का एड्रेस और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हम लोग रखवाएंगे इसमें रेडिएटर ग्रिल। भैया कैसी चल रही? तो भाई जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि हम, मैं जो दूसरा पार्सल है जो मैंने अमेजोन से मंगवाया था वो भी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। और क्या हो गया इसका अनबॉक्सिंग मैं करूंगा, ऐसी बोलो, धमका क्यों रहे हो? इसकी अनबॉक्सिंग आज हम करेंगे। हाय गाइस, व्हाट इज दिस? ओह वाओ, इट्स अ नी गार्ड। नी गार्ड विद योर एल्बो गार्ड? नी गार्ड विद योर एल्बो। लेट मी ट्राई। हाउ इज इट? तो ये हम लोगों ने सिस्को कंपनी का मंगवा रखा, K11। और कितने का पड़ा था ये हमको? ये हमको पड़ा है 2300। काफ़ी वीडियोस देखने के बाद, काफ़ी जगह सर्च करने के बाद मैंने ये चीज़ मंगाई है। मैं आपको दोनों लगा के देखता हूँ, दिखाता हूँ, और जल्दी मैं राइडिंग गेयर्स भी लेने वाला हूँ, और उसकी वीडियोस भी आप तक ज़रूर पहुँचेगी और जल्द ही पहुँचेगी। थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन बाइकर्स रुकते कहाँ हैं। इसका ब्रांडिंग, इसका कलर वगैरह मेरे को बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन अगर आप इसका ये पैड वगैरह लो, मतलब जो कि स्ट्रैप्स है, ये मेरे को थोड़े अजीब से लगे, लो क्वालिटी टाइप लगे। लेकिन अगर सेफ्टी वाइज देखो तो सेफ्टी वाइज बढ़िया है। एक्चुअली हम लोग स्मॉल राइड करते हैं, इतना ज़्यादा लॉन्ग राइड भी नहीं करते, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की राइड, छोटी राइड के लिए ये आपके लिए बेस्ट है। ये देखिए, नाउ यू सी, यस, वे
मेरे जूते के ऊपर मत जाना, एक्चुअली मैं अभी राइड में जा नहीं रहा हूँ, राइडिंग के लिए अलग शूज है मेरे। अच्छा तो अब जैसे हम लोगों ने बोलता, हम लोगों ने क्या क्या लगवाया था साथ में, अब वो भी दिखा देते हैं आपको। हम लोगों ने हिमालयन के साथ के लिए नकल कार्ड लगाए थे, ये हम लोगों ने कंपनी से ही ऑर्डर करवाए क्योंकि बाहर कहीं नहीं अवेलेबल थे और इसके मैच कलर के साथ ही मैच कर रहे थे। दूसरा हम लोगों ने लगवाया था इसका मास्टर सिलेंडर गार्ड, और ये लगवाना हिमालयन वालों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि अगर इसका सिलेंडर गार्ड में कुछ होता है या टूटता है तो आपके ब्रेकिंग सिस्टम काम करना बंद कर जाते हैं। उसके बाद एडिटर के आपको तो दिखाई देता, वो लगवा के आ चुके हैं, और मैंने पहले कंपनी में पूछा था, कंपनी वाले आधा दे रहे थे, मतलब सिर्फ फ्रंट व्यू था उसका, पीछे खाली था पूरा। हम लोगों ने दिल्ली से ऑर्डर करा, दिल्ली से हमको बोथ साइड कवर मिल गया, फ्रंट से भी और बैक से भी। और गाइस अब हमने कराना है सीटों का काम, जो आज 15 अगस्त की वजह से नहीं हो पाया, शॉप्स काफ़ी बंद है, अगली बार हम इसको सीटों का काम कराते हुए आपको दिखाएंगे। और मैं आपको एक बार इसमें बैठ के दिखा देता हूँ कि राइडिंग नी गार्ड के साथ कैसे लगता है। ये देखिए पूरा कवर होता है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मेरे जूते के ऊपर मत जाना क्योंकि अभी मैं जल्दी में था। हाउ आई एम लुकिंग गाइस, जरूर बताइएगा कमेंट में कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और दूसरी सबसे आखिरी चीज़ मैंने मंगाई थी, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भैया कि माइक वगैरह का नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने एक लोकल माइक ही परचेज़ किया था। क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी इसकी भी, प्राइसिंग वगैरह आकर आपको बताऊं तो ये 300 का ही है। अब आपको विद और विद माइक और विदाउट माइक का सॉन्ग सुनाता हूं। अभी ये है विद माइक, आपको क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम टाइप सुनाई दे रही होगी। हो गया आपका, उसका प्रचार हो गया आपके उसका। अब विदाउट माइक सुनाता हूं। ये आपको ऑक्सी केबल के साथ मिलती है और लेंथ काफ़ी सही है इसकी, आपका 1 मीटर की वायर होगी डबल करके। ये UNI कंपनी का, शाहिद कपूर जी का ऐड है इसमें, शाहिद कपूर ऐड कर रहे हैं। और साइड में कॉलर माइक अगर आप बोलोगे तो, मैंने पहले बोया का पूछा था, बोया का आपका 1150 का कुछ पड़ा था, फिर दूसरी जगह पूछा उन्होंने बोला लोकल माइक है, ट्रस्ट करके देखो, होलसेलर से लिया था, तो ये मेरे को 300 का पड़ा और सही में अच्छा लगा मेरे को। ब्लॉग एंड करते हुए बस यहीं पे, थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग का। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।